कुछ दिनों पहले पीएम मोदी के एक ट्वीट से देश में मानो हड़कंप ही मच गया। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि वह इस रविवार को सोशल मीडिया छोड़ने की सोच रहे हैं। उसके बाद दुनिया भर में जिज्ञासा फैल गई थी कि क्या वह वास्तव में सोशल मीडिया से तौबा करने की सोच रहे हैं, और अगर वह ऐसा करने जा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। मोदी के इस ट्वीट पर सैकड़ों प्रतिक्रियाएं भी आ गई थी। जहां उनसे ऐसा ना करने की गुजारिश की गई थी, वहीं उन्हें नसीहत भी दी गई थी। मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी इस खबर को जोर शोर के साथ जनता को दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट बहुत कुछ कहता है। ये एक हिंट है, ये एक संकेत है, रविवार को सोशल मीडिया छोड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर है क्यों? और आप सोचिए, ट्विटर पर प्रधानमंत्री के 5.5 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री ऐसा सोच रहे हैं तो इसके पीछे बहुत कुछ होगा। बहुत वो सारी बातें हैं जो जिनसे वो आहत हुए होंगे। ऐसे शख्स ने सोशल मीडिया छोड़ने की बात कह दी जो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा आइकन है। पीएम के ट्वीट से सवाल उठने लगे कि क्या वो सोशल मीडिया पर नहीं रहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने ट्विटर पर जो लिखा 40 मिनट के बाद वही बातें फेसबुक पर भी लिखी। अब सवाल ये है कि पीएम ने ऐसा क्यों लिखा और इस ट्वीट का मतलब क्या है? जी हाँ, इस ट्वीट का क्या मतलब है, क्या मायने हैं, ये सब कुछ अगले कई घंटे तक हम तलाशते रहेंगे। रोहित, आंकड़ों के जरिए आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की क्या लोकप्रियता है और किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं अब जबकि प्रधानमंत्री ने ऐसा ट्वीट कर दिया। 8:56 वाला ये बवाल बढ़ता ही चला जा रहा है। ये देखिए अंजना, इस समय मैं आपको दिखा दूं, यानी कि उस पर रिएक्ट किया। अब जरूरी नहीं है कि इनको अच्छी लगी हो ये बात, लेकिन रिएक्ट किया है उस पर। और सबसे दिलचस्प है कि मोदी जी तो ट्रेंड कर ही रहा है, जिसमें लोग मोदी जी लिखकर 14,900 ट्वीट कर चुके हैं। उससे भी वो ऊपर जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है वो है नो सर, मतलब सर मत कीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ट्विटर पर ये ट्वीट किया, उसके बाद से ही ट्विटर पर कई हैशटैग भी ऐसे हैं जो ट्रेंड करने लग गए, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि सोशल मीडिया को अलविदा कहें प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक सफलता है उसमें सोशल मीडिया को एक बड़ा श्रेय दिया जाता है। गुजरात के सीएम से देश के पीएम तक का उनका ये सफर जिस तेजी से आगे बढ़ा, उसके लिए राजनीतिक पंडित सोशल मीडिया पर उनकी जो सक्रियता रही उसे बेहद अहम मानते हैं। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट करके कहा, जब देश आपातकाल जैसी स्थिति से गुजर रहा है तो सोशल मीडिया से खिलवाड़ कर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। मायावती ने भी ट्वीट कर कहा कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोशल मीडिया से अलग होने की कल की गई घोषणा काफी सुर्खियों में है, लेकिन लोग आशंकित हैं इनका ये कदम वास्तव में उनकी पार्टी व सरकार की कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने का एक और राजनीतिक स्वार्थ भरा प्रयास ही ज्यादा लगता है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो उन्हें जवाब देकर जाना चाहिए, उन्हें एक सार्वजनिक अपील करके जानी चाहिए कि क्या ये बंद होगा, क्या वो अपने पार्टी के भीतर की ऐसी संस्थाओं को कभी खत्म कर पाएंगे, तो जाने का एक मतलब है। वरना सोशल मीडिया में ये एक बहुत सामान्य सी बात है कि लोग ब्रेक लेते हैं, लोग सोशल मीडिया फेसबुक बंद कर देते हैं, और ये जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं वो खुद भी, ये बहुत पुराना आइडिया है। प्रधानमंत्री का जाना अब कल से यही बड़ी खबर हो जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि ये सारे सवाल भी उठेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि इसी के पीछे सारी बहस चली जाए और जो आम आदमी सड़क पर अभी MLC का नंबर लेने के लिए इधर से उधर जद्दोजहद कर रहा है वो पीछे छूट जाए। पर हाल मंगलवार को पीएम मोदी के दूसरे ट्वीट ने पहले ट्वीट से पैदा हुआ जिज्ञासा की हवा निकाल दी। नए ट्वीट में उन्होंने कहा, मैं इस महिला दिवस पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट उन महिलाओं को सौंप दूंगा जिनका जीवन और काम हमें प्रेरित करते हैं। क्या आप ऐसी ही महिला हैं या ऐसी किसी महिला को जानते हैं? पीएम ने लिखा है कि #SheInspiresUs #हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए ऐसी कहानियां हमारे साथ शेयर करें। पीएम मोदी के दूसरे ट्वीट से अव्वल तो ये तय हो गया कि प्रधानमंत्री सोशल मीडिया नहीं छोड़ रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर प्रधानमंत्री की को ये घोषणा करनी ही थी तो उन्होंने पहले ऐसी सनसनीखेज ट्वीट क्यों किया? यही बात वे सीधे भी तो कह सकते थे। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हुए ट्विटर पर भी प्रधानमंत्री के 5.5 करोड़ फॉलोअर हैं। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम को मिलाकर भी उनके करीब 7 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं। पर अभी तक दिल्ली में जो हिंसा हुई उस पर अभी तक मोदी जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जाहिर है कि अगर उन्होंने अपने नए अभियान के लिए हाइप पैदा करना था तो इस तरह के मार्केटिंग का हथकंडा आजमाने की जरूरत नहीं थी। कम से कम प्रधानमंत्री के पद पर बैठे किसी नेता को ऐसा करना शोभा नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our
चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।